हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर, उम्मीद करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो यह वीडियो देख रहा हूँ, ठीक गेश की है जो कि बिग बॉस में गए हैं। आई वेंट टू बिग बॉस हाउस एंड मीट सलमान खान। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉयल स्टार, रॉयल पर्सनालिटी, हमारा भाई जाके आया बिग बॉस में। ओके, मुझे लगता है फुकरे की जगह ये गया हुआ, फुकरे घर वालों की। बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा। ओके, आज का वीडियो थोड़ा अनस्क्रिप्टेड रहेगा अपना। सारे सवाल जवाब दूंगा मैं। पहली बात, बिग बॉस में गए कैसे, बुलाया किसने, यूट्यूबर्स को बुला रहे, बिग बॉस में मेरे को ही नहीं बुला रहे। बिग बॉस वालों मेरे को समझ नहीं रहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, बुला लिए। डर रहे कि उनसे बेटर होस्ट आ जाएगा बिग बॉस। आए हां हां, ला 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 ला। क्या पिछले हफ्ते ऐसे हमने देखा कृष्णा अभिषेक होस्ट कर रहे थे बिग बॉस, सलमान भाई नहीं थे। इस हफ्ते मेरे को कॉल आया कि आपको बिग बॉस में आना है एज अ गेस्ट। अब मैं बोला कृष्णा अभिषेक को इतनी जल्दी रिप्लेस कर रहे, निकल ले भाई तू। मैं तो सोचा उधर जाके बोलेगा कंटेस्टेंट आप में से जो भी जीतेगा जाते मेरे शो पे, शो आएगा, चल के आना। थोड़ा हम तो जाके बोल दिए कि हमारे भी फुकरा जितने सब्सक्राइबर, हमको भी बुलाओ। तो क्या हुआ, हमारे सब चैनल्स के मिला के फुकरा जितने सब्सक्राइबर है, लेकिन है ना, चलो सब्सक्राइब करो, नहीं तो बुलाएंगे नहीं। तो ये हमको बिग बॉस बुलाया, उसके स्टेज पे गए, सलमान भाई से हाथ मिलाया हमने, एंड फिर आपके जो क्वेश्चन है अभी मैं जवाब देता हूँ सबके। देखो बेसिकली हमको वहाँ पे बुलाया था एज अभिषेक का फ्रेंड। ओके, अभिषेक को थोड़ा गाइड करना है, अभिषेक को मोटिवेट करना है, अभिषेक को बोलना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक, मैं देखा रही हूँ। तो बैक स्टेज हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया क्या करने का है, अंदर जा रहा हूँ घर में तो झगड़ा करने का थोड़ा प्रैक्टिस कर। फिर भाई की एंट्री हुई। हाँ, वो थोड़ा क्या लड़ाई का भी प्रैक्टिस कर रहा था, इन केस अगर करना पड़ गया तो। पहला और सबसे बड़ा जो चल रहा है ट्विटर पे के मैंने बोला अभिषेक को कि जिया से दूर रहने। देखो अभी देखो, एक्चुअली मैंने बोला जिया और फलक से दूर रहने, लेकिन वहाँ पे सलमान भाई बोल रहे थे कि फलक तो है ही नहीं घर में, लेकिन हम थोड़ी बोलने देते हैं सलमान भाई को, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, 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 देखा पूरा देखा, मेरे को उधर दिखाई नहीं, उधर इतना बड़ा आईमैक्स का स्क्रीन में सब लोग दिख रहे, मेरे को दिखाई नहीं कि इधर तो फलक है ही नहीं, फलक तो कल्टी। मेरे को पता नहीं, बिकॉज मैं बैक स्टेज था, तब तक ये सब हो गया था, है ना। तो मैंने तो अपने से बोला कि फलक और जिया से दूर रहना है, और बिग बॉस इधर फलक हम पे तो है ही ना, हम पे तो है ही नो, मैं भी यही नोट किया था, पता है ही ना। सलमान भाई भी वहाँ पे बोलने जा रहे थे कि फलक तो है ही नहीं, लेकिन फिर मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैं अपना बात कंटिन्यू रखा। सॉरी सलमान भाई, नाम ले लो। आई थिंक जिया एंड फलक की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रैंक रहूंगा मैं, एंड बीच में ना बोल। तो जिया वाली बात मेरे को पर्सनली लग रहा था, तो मैंने बोला सही किया। जज बनने मेरे को बुलाया था पर्सनल फीलिंग बताने, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है जिया अभिषेक के क्लोज आती है एलिमिनेशन के पास, अब वहाँ पर मैं पहले तो बोल नहीं रहा था, सलमान भाई ने बोला बोल बोल कौन है, बता के बोल के दिखा कौन है, मैंने बोल दिया ये फंस गया सी, नाम ले लो। भाई ने बोला उसने क्या स्ट्रेट लो ना, आई थिंक जिया एंड फलक की बात, ये भी सही है, डरना क्यों, रॉयल स्टाइल हो गया उधर। ऑनेस्टली मेरे को नहीं लग रहा था कि फलक एलिमिनेट होगी, मेरे को लग रहा था वो जड एलिमिनेट होगा, कर क्या रहा जड कर क्या है ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा भाई, तू कुछ कर, किसी से मारपीट कर ले किसी से है। बट एक बात अच्छी है, जड़ को हिंदी समझता नहीं है, क्या है उसके ग्रुप का 90% टॉक्सिसिटी, वो अच्छा है मिस कर रहा है। बट यस, हमको अभिषेक को गाइड करने बुलाया था, अगर मेरे को और बोलने मिलता तो मैं बोलता अभिषेक को देख भाई जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, अभी तू क्या है बाकी का टाइम अविनाश जैसा भी खेलेगा ना। तो फिर अभिषेक को किससे दूरी बनाए रखनी है घर में, ये बोलना था, तो मैंने बोल दिया टॉक्सिसिटी से दूरी बनाए रखनी है। अगर मैं बोलूं कि जिससे थोड़ा दूर रहना है, इफ आई कैन से, तो जैसे एलिमिनेशन पास आता है कुछ लोग तेरे और पास आने लगते हैं। अभिषेक को किसके पास आना चाहिए घर में, मैंने बोला अभिषेक को सिस्टम के पास रहना चाहिए, क्या है घर तो 3 हफ्ते में बंद हो जाएगा, सिस्टम तो चलता रहता है ना, साथ में रहना चाहिए, मैंने बोला। एलविश भाई तो है ही टीम में, सिस्टम चल रहा है तो साथ में रहे, हम बाहर से देख रहे कौन तेरे साथ है कौन पीठ पीछे, स्ट्रेट क्या क्या है, ये बात है सही क्या क्या है, बहुत ही अच्छा क्या क्या है। वो नहीं जीते तो लगना चाहिए कि अभिषेक का नहीं बिग बॉस का लॉस है, इनफैक्ट सबको। और ये भी बोला मैंने उसको कि थोड़ा अपना और स्टैंड लिया कर, अपना थोड़ा अड़े रहे और थोड़ा फॉर्म स्टैंड लिया कर अपना, यस, एंड थोड़ा सा अपना स्टैंड और लिया कर, अपनी बात और रखा कर, अपना पॉइंट रखा कर बढ़िया से, है ना, 100% है भाई। लेकिन 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 बदले में मुझे क्या मिला, क्या मुझे मिली ट्विटर पे गालियां, हां यार साला गाली मिलता है, साला कुछ भी करो गाली खा रहा हूं, ट्विटर का नाम ही शायद चेंज कर दे, कैसा लगता है, आए विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कार्ड है, ये लोग
अपनी जेब में रखते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसकी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है कि एल्विश यादव को मोटिवेट क्यों नहीं किया, तो एल्विश यादव को सपोर्ट नहीं करता है वो भी तो क्या तो दिया उसे कि सिस्टम तो है। मेरे पिछले तीन वीडियोस देख लो किसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना फुकरा एल्विश को। अब वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली मुझे एज अभिषेक का फ्रेंड बुलाया गया था, ठीक है, तो मुझे अभिषेक के बारे में बात करनी होती है। स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया था बैक स्टेज कि अभिषेक के बारे में ही बात करो, ओके, बिकॉज आप अभिषेक के फ्रेंड हो। उधर जाके यार शाना नहीं बनने का, बहुत तेज हो रहा है, सही कर करने भेज रहे वही कर क्या सही कह रहा है भाई वो अपनी जगह सही। अभिषेक के बारे में बात किया बट अभी यूट्यूबर है तो थोड़ा सा तो मैंने एल्विश की साइड ली ना, उधर मैंने बोला था कि भाई सिस्टम है भाईचारा बनाए रखो, ये भी बोला कि साथ में रहो, इधर उधर का नहीं नहीं ठीक ही है, फिर भी बोल रहा हूँ ऊपर से गाली भी खा रहा हूँ, क्या जिंदगी हो गए। बट यस यार ट्रू यही होता है ना भाई, जिसके लिए आया जिसका फ्रेंड बन के आया उसी की बात करूंगा। ये कौन है बे, सबके लिए रोस्ट लिख के गया था, मैं तो सोचा और टाइम मिलेगा तो एक एक को रोस्ट भी करूंगा, लेकिन क्या है अभी नहीं मिला टाइम। मैं तो पूजा भट्ट को बोलने आ रहा था कि पूजा जी आप इतनी डोमिनेटिंग हो, मैं आपको क्या ही बोलूं, आपको तो बोलने से बिग बॉस भी डरता है। बेबी का को मैं बोलने वाला था कि भाई आप लोगों का फ्यूचर पढ़ती हो, लोगों का माइंड पढ़ती हो, आंख पढ़ती हो, अपना तो पढ़ लो, अपना फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ पा। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूं। बोलने वाला था यूट्यूबर से लड़ाई मत करो भाई बिग बॉस में, अपनी यूट्यूब की ऑडियंस सिंपल है भाई, जिसने यूट्यूबर से लड़ाई किया उसका गलती। जिया को भी बोल रहे घर में आपके दो मुंह है आप डबल चेहरे, आप बोल देता मैं नहीं भाई ऐसा नहीं है जिया, आप टेंशन मत लो, दो से ज्यादा चेहरे है। फलक जी तो बाहर आ गए, फलक जी आपको कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट लगे, कोई भी मेरी हेल्प लगे तो मेरे को बताओ, मैं हूँ यहाँ पे। जैसे अभी आपको बैकपैक करना पड़ेगा तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं अंदर गया तो बैकपैक करके भाग गई थी, मेरा तो रोस्ट का लाइन चला गया ना वेस्ट, क्या करूं मैं। अविनाश भाई को मैं बोलने वाला था आपकी बुद्धि का सर्वनाश हो चुका है, आप क्या कर रहे हो, आप जड़ को तो हिंदी समझ नहीं आती लेकिन आप आती है ना, समझ जाने का वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थी। बोलने वाला था कि बहुत अच्छा कैप्टनसी करती हो आप, मतलब इतना अच्छा घर को संभाला आपने कैप्टन बन के, आपकी कहीं सीएम वीएम बन गई तो स्टेट को भी संभाल लोगी, लेकिन मेरे को बोला था कि सिर्फ अभिषेक के बारे में बात करनी है। यस तो वे समझना बहुत मुश्किल है क्या, काहे गाली दे रहे हो हमें। अब चार वीडियो देख के अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ हम किसके सपोर्ट में, हम यूट्यूबर्स के सपोर्ट में। yeah. अंदर जाने से पहले मैं ऐसे ही ट्विटर चेक कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, आशिका एलिमिनेट हो गई, जड एलिमिनेट हो गया, अब मैं जब अंदर बात करने वाले ये दोनों तो बैठे, ये ट्विटर पे कितनी अफवाह फैलती है, ट्विटर पे कुछ भी होता है कभी। yes. ट्विटर पे ये भी बोलते हैं कि अविनाश बिग बॉस जीतने वाला है, जीतेंगे तो भाई दोनों यूट्यूबर्स में से कोई जीतेगा, ये लिख के ले लो, और अगली बार चार और यूट्यूबर आएंगे बिग बॉस में, लिख के ले लो, आएंगे आने चाहिए। फिर क्या लोग अभिषेक को भी गाली देते, तू थकेश की क्यों नहीं सुन रहा है, तू लोगों की क्यों नहीं सुन रहा है। देखो ऑनेस्टली वो एक घर के अंदर है, ओके, घर के अंदर वो मेरी बात के बाद तुरंत तो ये नहीं बोल सकता, ये थोड़ी बनाए रखनी पड़ेगी, अगर वो स्मार्ट है तो टाइम लगेगा, खेलना पड़ेगा, एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ेगा। एंड जिया जी भी एकदम सुमेश्वरी गेम खेल दी, मैंने जैसे ही बोला जिया से दूर स्माइल, वैसे ही जिया ने अपनी कैप्टनशिप छोड़ दी, अभिषेक को दे दी। अब अगर कोई बोलता है ये मेरी वजह से नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा भाई, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन ये मेरी वजह से ही हुआ है। अब क्या है जिया को थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कुर्बान है तुम पे, मैं मेरे को नहीं चाहिए कैप्टनसी ले लो, क्योंकि सबको पता है एंड ऑफ द डे एल्विश और फुकरा के पास रहने से एडवांटेज है, सपोर्ट मिलता है, लोग सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैंने क्रिस्टल क्लियर रखा कि अपने ग्रुप को टाइट रखो और वो पब्लिक से दूर रहो, वो पब्लिक yes. में भी कोई ढंग का खेल नहीं रहा है, सिर्फ एक पूजा भट्ट है जो एकदम मस्त खेल रही है, पूजा भट्ट का भी जो न्यूट्रल स्टैंड होता है मेरे को बोलना था, लेकिन अगेन मैं ना तो दूसरे टीम का कुछ ज्यादा बोल सकता हूँ ना यहाँ का ज्यादा बोल सकता हूँ, मेरे को स्टेज पे चांस दिया तो पूरा एक पन्ना लिख के जाऊंगा मजा आ जाएगा। एक बार ये इडियट सलमान भाई से मिलने का एक्सपीरियंस, लोग ये फोटो देख के बोल रहे थे तू झुक क्यों रहा है इतना, अरे देखो और लंबा है ना, मुर्दे है, झुकता वही है जो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं सलमान भाई से मिलने का, कोई बात नहीं है बड़ा बंदा है, क्या ऑरा है भाई का, मतलब सामने खड़ा रहता है आदमी समझता है कि वो स्वैग है भाई के बारे में, वो तो अभी अनडिनाइबल है। हाँ मैंने किसी का भाई किसी की जान को रोस्ट किया था, मैं भी सोच रहा था कि इन्होंने ना देखा हो तो अच्छा है। एंड बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सलमान भाई का देखो मुंह उतर गया, नहीं नहीं वो वैसे सलमान भाई का मुंह उतर गया नहीं है, तुम लोगों को क्यों लगता है सलमान भाई को, मैंने देखा था यार उसको कोई फर्क नहीं, जाते रहेंगे घर पे सो के सोचते रहेंगे मैंने क्या किया आज, तो यार वो बिग बॉस में ना मेरे को बोल देना वो थागेश महेश करके कोई आया था उसको ना ऐसा बोल, अरे नहीं भाई कहाँ है तू,
After मैं मार दूंगा साले तेरे को। सलमान भाई को और हजार काम होते हैं, उसको और बहुत काम है सोचने के लिए, और बहुत स्ट्रेस है, किसी का भाई का पैसा रिकवर करने का है। Honestly, वो अपने दिमाग पे लेते भी नहीं देखते उसके अंदर क्या चल रहा है या स्टेज पे क्या चल रहा है, वो अपना काम करते हैं। बनता भी ये है भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई मजेदार था, बहुत मजा आया, बहुत टीम भी बहुत कड़क है उनकी, एंड सेट तो भाई ऐसा लगता है एक दिन अपने थकेश शो का ऐसा होना मजा आ जाए जिंदगी में। बन सकता है वीडियो, यही पॉइंट्स मेरे को क्लियर करने थे। और क्या भाई, कृष्णा अभिषेक का मेरे पहले जो एक्ट था भाई, इतना लंबा चल रहा था, बैक स्टेज में सो गया था भाई। कृष्णा भाई बोला कब खत्म होएगा, कब खत्म। तो मेरे मन में मैंने जाके बोला ओके, मुझे किसी ने कुछ बोलने के लिए बोला नहीं था, एंड मैंने जो बोला वो भी किसी ने कुछ कट नहीं किया। अगर फर्क पड़ता, टीम को फर्क पड़ता या सलमान भाई को फर्क पड़ता, मैंने जो बोला है वो कट जाता ना फाइनल एपिसोड। नहीं, सब रखा जितना मैंने बोला वो। एक और फनी इंसिडेंट हो गया था, क्या मैं शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ। देखो अब मैं थोड़ा क्या, पहली बार इतने बड़े स्टेज पे गया, ठीक है, मुझे आदत है रैंप शोज की, मैंने किया रैंप शोज, पेजेंट्स वगैरह किए मैंने। पेजेंट्स में कैसा होता है, हमें माइक दिया जाता है हाथ में, माइक हम फिर से होस्ट को देते। अब जाते टाइम सब फुकरा ने बोला थैंक यू भाई ये वो, उसके बाद सलमान भाई ने हाथ आगे किया, हाथ पिला के लिए मैंने सलमान भाई के हाथ में माइक दे दिया। And I was like, oh God. फिर मैंने माइक लिया और फिर से हाथ दे दिया, बहुत embarrassing। Great experience भाई। तो लाइक करो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब। पिछला अच्छा बंदा यार पे बनाया था वो, यहाँ पे टैप करके देख लो। बिग बॉस का पिछला रोज वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, देख लो। देखा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @ महेश केशवाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। अच्छा था यार, अच्छा उसने बातें की है, मुझे अच्छा लगा। और वो जो कह रहा है वो जेन्युइन बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। और ऐसा ही हुआ, मैंने शो देखा है वो वाला, तो अच्छा अच्छा लगा है यार के यूट्यूबर्स को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। और मेरे ख्याल से एट द एंड गेम यही होनी है, यूट्यूबर ही हैं नेक्स्ट, जितने मीडिया चैनल हैं सारे नीचे आ जाने हैं। और लोगों का थोड़ा सा रुझान हुआ ना यूट्यूब की तरफ, अपनी मनपसंद चीज़ें देखने की तरफ, तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि टी वी पर तो वही है ना जो दिखाते हैं वही चलता है, तो बस ऐसे ही है। तो अच्छा था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।